यहाँ नहीं पहुँचा। और अन्ना भाई और गायत्री कह रहे हैं कि वो उनके मराठी क्लास भी नहीं पहुँचा। मुझे लगता है वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है उन्होंने क्रिश को वाड़े में ही छुपा रखा हमें झांसा देने के लिए। वाह वाह वाह, जेम्स बॉन्ड की याददाश्त लेकर आए हैं। चलो चलो फटाफट वहां पहुंचते हैं। चल गोमिला तू भी चल। ए, पिकनिक मनाने नहीं जा रहे वहां पर, तू इधर ही रुकेगी समझी। अगर अमोल क्रिश को घुमा फिरा कर सच में यहाँ लेकर आया तो वापस, अगर वो दोनों यहाँ आ गए ना तो तू मुझे फोन करेगी, मुझे, और हम लोग फटाफट यहाँ आके पहले क्रिश का केक कट कर डालेंगे। समझ गई तू? हेलो, चलो। बहुत बड़ी क्राइसिस हुई है प्रभाकर दादा, अगर उन्होंने हमसे पहले कृष्णा से केक कटवा दिया तो वो लोग कृष्णा को लेके हमेशा के लिए चले जाएंगे और ये सदमा अन्ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर डालते हाँ, कि अभिषेक कृष्णा को अगवा करके ले गए, उनके केक कटवाने से पहले ही पुलिस रेड कर देगी। और प्रभाकर दादा, अभिषेक बाप है उसका, एक बाप अपने बेटे को अगवा क्यों करेगा? केशव, अगवा करने का हर बार रिश्ते से कोई लेना देना नहीं होता, किसी की मदद करने का भी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं होता, तो अगवा करना मदद करना एक हुए, तेंदुआ पकड़ना कमर दर्द से मरना एक हुए। प्रभाकर दादा, वो बेचारा मासूम बच्चा हमारे हाथ से निकला जा रहा है और ऐसे वक्त में भी आपको गीत सुनाना है हा? और वैसे भी कमर दर्द से कोई मरता नहीं है। चला, कमर दर्द का तो पता नहीं लेकिन गर्दन दर्द से जरूर मरते हैं केशव भैया, कसम से। मुझे तो लगता है मम्मी पापा हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं ना। हो सकता है उन्होंने हमारे कृष्णा को कोमिला मासी के घर भेजने का सिर्फ नाटक किया और अपने घर में छुपाया ताकि हम उसे कोमिला मासी के घर ढूंढते रहे। सही कहा गायत्री काकी। अन्ना, मुझे लगता है हमें उनके घर जाके कृष्णा को ढूंढना चाहिए। हाँ, पर लेकिन उन लोग के घर पे जाएंगे कैसे? उनका घर तो बंद है ना, वो लोग सब गए हैं कोमिला के घर पे। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना। क्या? बनारस की रेखा भाभी, उनका क्या है अभी? क्या रेखा भाभी का क्या बोला? बनारस की रेखा भाभी नहीं, पापा के घर की एक्स्ट्रा चाबी। चलिए। तूने संतोष के पैसे लेकर धंधा शुरू किया है प्रभा करता था? अन्ना थोड़ी ना हूं जो एक ही धंधे के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा। इसके पैसे मैंने ब्याज पे घुमाए। तो ब्याज के पैसे किधर है केशव भैया? 6 महीने हो गए, परसों तक टाइम है आपके पास, वरना प्रभाकर दादा आपके गर्दन पर गाना बनाएंगे। कौन सा गाना दादा? गर्दन दर्द से मरने की नौबत आई है केशव की, पसीना पसीना होके डरने की नौबत आई है केशव की, तो गर्दन दर्द से मरना पसीना पसीना होना एक हुए, घी का बर्तन भरना और हसीना का रोना एक हुए। अद्भुत। चिराग, हमारी फ्रेंडशिप मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम गुजराती मैं मराठी। एक मिनट, हम दोनों के बीच ये टू स्टेट की दीवार खड़ी मत करना प्लीज, क्योंकि तुम भी जानती हो कि इस दीवार की वजह से गोखले परिवार और ठक्कर परिवार के बीच जो दुश्मनी है। दुश्मनी की वजह टू स्टेट्स की दीवार नहीं है, गायत्री काकी के मन में अभिषेक काका को लेकर जो शक है वो है। लेकिन उनका शक भी गलत नहीं है उज्ज्वला, मुझे पता चला है कि उन्होंने अभिषेक भैया को किसी लड़की के साथ होटल। लेकिन अभी वो लड़की है कहाँ? भाग गई ना वो तो। अगर दो परिवारों के बीच की दुश्मनी को खत्म करना है तो सबसे पहले अभिषेक काका और गायत्री काकी के बीच की जो दूरी है उसे मिटाना होगा। पहले उस लड़की को ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। मंदर, तू और गायत्री यही पे पहरा दो, वो लोग आएंगे ना तुम मुझे बताना। मैं तुम्हें एक मिनट। मर गए। क्या हुआ? बाहर अन्ना और वो कुछ ढूंढ रहे हैं। अन्ना चिराग, अगर अन्ना ने यहाँ पे मुझे तुम्हारे साथ अकेले देख लिया ना तो दोनों परिवारों के बीच में दंगा हो जाएगा। हे भगवान। Boy, 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 boy.
सारे अलग अलग दिशा में फैल जाओ और सबसे पहले तिजोरी ढूंढो। तिजोरी मिलते ही सारा माल लेके। अज्जो अज्जो टाकू सिंह चौधरी, इनको कोई समझाओ, हम यहाँ पे अन्ना भाई की तिजोरी तोड़कर माल लूटने नहीं आए हैं। हाँ पापा, गायत्री ने क्रेश को घर में ही छुपा के रखा है और वो जान बुझ के बाहर ढूंढ रही है ताकि हमें शक ना हो, और वो पहले केक कटवाना चाहती है उससे। क्रेश, क्रेश बेटा, बेटा क्रेश, ऐसा फुसफुसा के क्यों बुला रहा है? उसको बेचारे को थोड़ी सुनाई देगा, उसको सुनाई दे ऐसे ऐसे जोर से हथेली ऐसे गोल करके, नहीं नहीं दो हथेली गोल करके और जोर से, नहीं 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 लाउड स्पीकर से। उसे पूरे शहर में नहीं ढूंढना है, इसी घर में ढूंढना है उसे। सॉरी, हम एक काम करते हैं, हम फैल जाते हैं, हाँ अलग अलग जगह पे। पापा आप उस तरफ वाले कमरे देखना, मम्मी मैं ऊपर वाले कमरे देखता हूँ, आप इस तरफ वाले देखना, ठीक है? अगर क्रेश हमें मिले तो हम एक दूसरे को आवाज लगाएंगे। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। मासा जी ने नया पुतला खरीदा है, वो तो इस चद्दर में से बाहर आ रही थी ना, तो परफ्यूम छिड़क रहा हूं। लेकिन महेंद्र भाव तो बाकरवड़ी बेचते हैं मेरी तरह, हालांकि उनकी बाकरवड़ी बहुत ही बेकार होती है। तो बाकरवड़ी बेचने में ये पुतले का क्या काम? वो दरअसल मौसा जी ने इस पुतले को भाकरवड़ी खाते हुए शोकेस में रखेंगे। क्या क्या तिकड़म लगाते रहते हैं गुजराती लोग। क्या जरा खोलिए, देखो ये भाकरवड़ी खाता हुआ पुतला, बोलना ये डुच क्या? बोला ही था उर्मिला मासी ने, बोला ही था कि अगर अन्ना भाई को पता चल गया तो वो हमारे आइडिया की नकल जरूर करेंगे। हम लोग नहीं करते ही नकल नी बिकल, दुकान हम लोगों की थी पहले से यहाँ पे, उन लोगों ने भाकरवड़ी की दुकान खोल के हमारी नकल की है, हम मराठी लोगों की। मुझे नहीं देखनी है ऐसी फालतू प्रतिमा भाकरवड़ी खाते हुए। ए लाल लाल, ये लड़की की आवाज किधर से आई? मेरे मुंह से निकली, जब भी मैं परफ्यूम लगाता हूं ना मेरे मुंह से लड़कियों जैसी आवाज निकलती। ये देखिए। क्या तुम गुजराती लोग? एक बार फिर से निकल, निकलते रहे निकल निकल। कितनी देर तक खड़े रहे, लेकिन कृष्णा तो मराठी क्लास आया ही नहीं। आई प्लीज मना मत कीजिए। अरे इस बार तो मैं ही इसे पूछने वाली थी, मराठी क्लास का इशारा ऐसे कैसे? ये मराठी में से मरा का इशारा था सासू भाई, मरते तो ऐसे ही है ना। अरे ऐसे वक्त में ये सब कैसे सोचता है तुझे? एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आप लोगों को? लगता है महेंद्र भाव भूल से इसे अपना घर समझकर हमारे घर आ गए हैं। बाय 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 बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र भाव, ये चप्पल में कहीं रखकर भूल गई थी, आपने ढूंढ के निकाला। अभिषेक, आई सच सच बताना, अन्ना ने क्रिश को कहाँ छुपाया? अरे हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ हम लोग तो मराठी क्लास में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अन्ना ने बताया कि तुम लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया है। हाय हाय, जोयू जोयू अभिषेक जोयू, एक तो क्रिश को उन्होंने भेजा अमोल के साथ है, और फिर इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। उल्टा चोर पोडवाल को डांटे। पोडवाल नहीं, कोतवाल को डांटे। हाँ भाई वो दूसरे मवे, अभी थोड़ा इधर उधर तो चलता है ना निर्मिति, क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाती है। आप क्या खड़े खड़े सोच रहे हैं महेंद्र,
मैं याद हूँ कि मुझे भूल गए? नहीं, वो तो मुझे याद है उर्मिली, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी दुकान को छोड़ के मैं ये चप्पल क्यों ढूंढ रहा था। उर्मिला वहीनी, कृष्णा वहाँ मराठी क्लास नहीं पहुँचा और आप लोगों के साथ भी नहीं है, तो वो है कहाँ? यहाँ पर तो नहीं है, अभी पता नहीं किधर छुपाया है उर्मिला बहन ने मेरे पोते को। अब तो अन्ना भाई को साफ साफ पूछना ही पड़ेगा कि भाई है महेंद्र। अब गुजरातियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पाई रखने की? अच्छा, अगर हम गुजरातियों से आपको इतनी ही एलर्जी है तो आप हमारे घर में क्या कर रहे थे? चिराग ने बता दिया मुझे फोन करके। मैं अपने कृष्णा को ढूंढने गया था जिसे आप लोगों ने छुपा के रखा है। तो हम भी हमारे कृष्ण को ढूंढने गए थे जिसे आप लोगों ने छुपा के रखा है। हमने नहीं, आप लोगों ने। मैं शांत ही हूँ, इन लोगों को बोलो मेरे पोते को लेकर आने को। हम कहाँ से लाएंगे अन्ना, आप ही ने तो भेजा था अमोल दादा के साथ उसे, है ना? हाँ, तो उन्हें मिसगाइड किसने किया था? प्रभाकर भैया को उलझाकर किसने रखा था अभिषेक? वैसे भी छल करना ना तुम्हारी आदत है, तुम्हारी हॉबी है ये। पहले मेरे साथ किया और अब अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। ए बस आ, चुप रहे वरना। हाँ तो आप अपने दामाद को बोलिए चुप रहने को वरना। मेरे पोते के सामने है ना अच्छा आदमी बनने का मैं मात्र अभिनय करता हूँ। बाकी हकीकत में जानते हैं आप, पूरे महादेव पेट में मेरे जितना बुरा आदमी कोई नहीं आए। ओ रहने दीजिए ना अन्ना भाई, जाइए जाइए, इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मत हाकिए। अभी बताता हूँ मैं कितना बुरा आदमी हूँ। केशव, पुलिस को बुला, बोल कि मैं अग्रिम गिरफ्तारी देना चाहता हूँ किसी का खून बीन करके। अरे वाह, आप टेंशन मत लो अन्ना, आप बस लाशें गिराना शुरू करो, मैं आता हूँ काउंटिंग करने। मैं शुरू करता हूँ लाशें गिराना, अभी पुलिस आती होगी और मैं बोल दूंगा कि आप लोगों ने अगवा किया है मेरे बच्चे को। ओ अन्ना भाई, कुछ भी मत बोलिए आप, हमारे बच्चे को हम क्यों अगवा करेंगे? मुझे क्या मालूम, आपने सोचा होगा कि शरद तो अभी जीत नहीं सकता, तो बच्चे को अगवा बिगवा करके भेज दो भूटान। हैं? जो जो उसको भूटान के तंबूरा छिलने भेजूंगी? मुझे क्या मालूम क्या छिलने के लिए भेजने वाली है, हो सकता है आप लोग भी भूटान बिटान जाके सेटल हो जाए। भूटान? हाँ, क्योंकि चीटिंग करना तो तुम्हारी हॉबी है, मेरे साथ जो तुमने चीटिंग की है ना। बार बार वही रट मत लगाया करो गायत्री, कोर्ट तो तुम गई थी ना, साबित तो कुछ नहीं कर पाई, तो अभी चुप बैठो। ए, ए, बड़ा ए, 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 बड़ा कहाँ थे तुम लोग? मैं हूँ कृष्णा, है ना, सबके लिए सरप्राइज रिटर्न गिफ्ट लेने गए थे मालूम। मैं जाके सरप्राइज देता हूँ। अरे ये जा रहा है और वहाँ पे लाशें गिराने की बात कर रहे हैं, उनको चौकन्ना ना करना पड़ेगा। झगड़ा कर रहे थे? जागते रहो।
जागते रहो। अरे बाड़ा, हम लोग तो तेरी राह देखते हुए उत्सव मना रहे थे। किधर था किधर तू बाड़ा? अरे कृष्णा, तो आप सभी के लिए रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट लेने गया था मेरे साथ। लो, और मिला भाई, ऐसे ही बोल रही है कि अगवा बिगवा कर लिया है मैंने। कमाल है जोयू जोयू, पलटू राम अन्ना भाई। और वो अपना भूटान और ये सब भेजने का कौन बोल रहा था? तेरा इंतजार करते करते ये सब एक खेल खेल रहे थे जिसमें एक दूसरे से झगड़ा करने का अभिनय करना था। लेकिन हमारे फैमिली में तो कोई झगड़े का अभिनय भी ठीक से नहीं कर सकता। मुझे पता है कि नहीं? बोलिए हाँ। कृष्णा देख, दो दो केक, तू पहले कौन सा काटेगा? मराठी। ठीक है बस, तो ये मेरी वाली केक पहले काट लेना बाबा। अब बच्चा इतनी जिद कर ही रहा है तो। ये 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 ये। कृष्णा ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ऐसा कहा कुछ बोला? आपके कान बज रहे हैं उर्मिला बहन। अच्छा। अरे नहीं नहीं अन्ना भाई, आपने कान में मशीन ठीक से लगाई नहीं है ना, इसलिए शायद आपको सुनाई नहीं दिया। बच्चा बोला, कृष्ण बोला, मैंने सुना। लेकिन मुझे कान में मशीन लगाने की क्या जरूरत है पापा? पर मैंने भी कुछ नहीं सुना। मन में बोला कृष्ण, मन में बोला, मन में मैंने सुना। बाप और बेटे के दिल के तार जो जुड़े हैं आपस में, है ना बेटा कृष्ण? तो कृष्णा, अभी तू ही तय कर कि तू पहले कौन सी केक काटेगा। करके तय करते हैं। वाह, ये बहुत अच्छा सुझाव दिया मेरे बच्चे ने, बिल्कुल मुझ पे गया है। उर्मिला बहन, महेंद्र भाव, अगर चीत आएगा ना तो पहले हमारा मराठी केक कटेगा। अरे लेकिन पट आया तो सबसे पहले हमारी गुजराती केक कटेगी। ये ले बेटा, उछाल। ये तो मैच टाई हो गया, अब क्या करे प्रभाकर काका? चित आती तो पहले कटता कोई केक, पट आती तो भी पहले कटता कोई केक। तो चित आना, पट आना एक हुए, गीत गाना खरबूजे का नाना एक हुए। क्या तू गप्पो बस रे? अरे कुदरत का इशारा कोई समझ ही नहीं रहा। ऊपर वाला ये चाहता है कि दोनों केक एक साथ कटे और हम सब हमेशा एक साथ ही रहे। ग्रेट आइडिया दादी, अब मैं दोनों केक एक साथ काटूंगा। चलिए मेरे लिए विश कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, ए परमेश्वरा, मेरे बच्चे पे कोई भी कठिनाई मत आने देना। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों की उम्र भी इस बच्चे को लग जाए। अमोल, मोमबत्ती जला, मोमबत्ती जला अभी। ठीक है। मार, फूंक मार, फूंक मार। Happy birthday to you. Happy birthday dear Krishna. Happy birthday to you. मुझे किला। संभल के बेटा, अन्ना भाई के कपड़े पे ना गिर जाए। हाँ बेटा, तेरे हाथ का प्रसाद सबसे पहले खाकर मैं तो धन्य हो गई। शानी
डुचकी उर्मिला बहन, चोमड़ी उर्मिला बहन, लबाड़ उर्मिला बहन, और वो शैतान खोपड़ी महेंद्र भाव हमेशा जासा दे देते हैं मुझे। लेकिन मैं भी, मैं मराठी हूँ मराठी, सबसे बड़ा शाना, और हम लोग में तो उपनाम भी होता है शाहाने। आप प्रतिम अभिनेत्री नहीं क्या है? रेणु का शाहाने, वाह वाह वाह, क्या अभिनय। तो मैं भी शाना बनूंगा और उन गुजरातियों को ईट का जवाब पत्थर से दूंगा। और जोचना, जोचना है ही नहीं कमरे में। अरे मैं यहाँ खुन्नस निकाल रहा हूँ और ये औरत कमरे में है ही नहीं, उपस्थित नहीं है, क्या फायदा क्या? लापरवाह कहीं की। अन्ना साहब फोन उठाइए, मेरे घर में जो मुसीबत खड़ी हुई है उसका हल सिर्फ आपके पास है, आप प्लीज फोन उठाइए।